गाइस देखो इनको कैसे मस्त लग रहे हैं सारे के सारे। गाइस ट्रिप इज ऑन। सो हाय द यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द नोट्स। और हम जा रहे हैं आज केदारनाथ फाइनली। ये बोला गोवा इज ऑन सबसे। ये फाइनली हम अभी इतना कम लगेज है हमारा, मेरा और दीपक का ये लगेज है ना, और इसमें फुटवेयर और हिमांशु का अकेले का। ओ भाई दो हे भगवान। और विकास का बेचारे का एक ही, उसका भी एक ही है। अब वेदांत का देखते हैं लगेज कितना है। व्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वर्टिकल बोल रहा है मैं भी व्लॉग बनाऊंगा, और बोल कुछ नहीं रहा, इधर उधर दिखा रहा है बस। अरे राम पूछ रहा है फ्लैश कैसे ऑन होगा। ऐसे विकास ये आया फाइनली। एक बार वेदांत को देख लो गाइस सब। ये देखो कैसे दाढ़ी बिल्कुल ही कटवा के आ गया। वो कल सही लग रहा था। ये करो ये फुल डांस कर रहा है करना विकास मीट वैष्णवी। हेलो कैमरा शायद हो रही थी बगे तो वो देखो बस में इकलौता पीछे बैठा है, जबकि ऊपर वाली सीट है इसके पास तो भी अलग ही पैक बना के बैठा है। नहीं गाइस कोल्ड ड्रिंक पी रहे हम लोग और ये चल रहा है हमारा। अरे घूम हो गया ज्यादा ही। अरे गाइस एक तो नई फोनों का यही दिक्कत है। अरे इतना तू अभी मैं इसको चलाना नहीं सीखती हूँ अच्छे से गाइस। मेरे को XR की अभी भी आदत है, XR की आदत है। तो फैमिली अभी हम रुके हैं एक होटल पे, पता नहीं नाम क्या है, बस ने रोका है। और भाई इतना तेज शिद्दत से हमें वॉशरूम जाना है ना, ही में नहीं घुसना वॉशरूम ही में जाना है। भगवान नहीं में घुसेगी मुझे पता है। खाना खुलते कैसे टूट मरे देखो, इधर कैसे टूट मरे ये लोग। वाह क्या बात है वेदांत। वेदांत शक्ल तो दिखाओ। वेदांत क्या हो गया तुम्हारी शक्ल को, वेदांत दिखाओ तो सही यार। वो कहीं ना कहीं तो आएगी ना, कहीं ना कहीं तो आएगी। अचार से खाना है। चाय कहाँ है? ये लो ले बेटा। अरे अभी मंगाई है तुमने? कितना किफायती काम किया है। 25 रुपए की चाय थी, मतलब भैया मैं ठंडी करके पीती हूँ, नीचे एक और कप ले आई तुम्हारी पकड़ो। मैं इतनी नहीं पीऊंगी तो इसमें डाल लो, आधी डालो इसमें। मेरा वाईफाई क्यों यूज किया भाई तूने? कल पूरे रात को 90% यूज कर लिया, अब मैं बात कैसे करूंगा आज? भाई मैं कुछ देख रहा था। देखो पता है अगर आपका दोस्त आपके बिना परमिशन से आपका वाईफाई यूज कर लेता है तो आपको जेल हो सकती है। करा 19 रुपए का 1 GB का। ये खुद साल का 2 GB लेकर बैठा है, पूरे साल का 2 GB लेकर के बैठा है। नंबर तुम्हारे भी तो है ना वाईफाई, तुम मेरा तो करवा देते हो तुम बार 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 बिना मना करे। तो गाइस हम अभी पहुंच चुके हैं ऋषिकेश से कोई 80-90 किलोमीटर पहले, उत्तराखंड के अंदर तो कब के आ गए थे हम। और अभी हम चाय पीने के लिए रुके थे लेकिन बारिश आ रही थी तो हम बाहर नहीं जा पाए थे। कौन किसका फैन है ये? तो गाने की पेशकश आप लोगों के साथ। आप जूम मत करिए, आप पीछे। हाँ 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 तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगा, लेकिन तुम्हें न न छेड़ो हमें, हम सताए हुए वो चप्पल पड़ी है ना उसी से मारेगा कोई ना कोई आकर के। अभी सुबह में शुरू होता मेरे को बोलता है ना ऐसे ना फोन पकड़, मेरे को बना लेते हैं। मैंने क्या बनाएगा भाई ब्लॉग में पकड़। मैं लिख देता हूँ तुम्हें। टेढ़ा दिल बना दिया। क्या कर रहा है यार ये, मेरे को लिखने दे।
को छोटे हुए से ऐसे करके फोन पकड़वाया ऐसे। भाई भाई हाँ ये आंटी पता नहीं यार इतना धर्म है यार, बहुत धर्म है। आंटी को मैं केदारनाथ पहुँचाऊंगा आपकी बात, देखो भगवान आपके पास भोलेनाथ हम आंटी को लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग फिलहाल आ चुके हैं ऋषिकेश और हम अभी जा रहे हैं बस स्टैंड पर। तो प्यारा वेदर हो रहा है भाई, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हो रही है स्नो। तो इतना प्यारा वेदर हो रहा है वहाँ पर, मैं दिखाती हूँ आपको। लुक एट द वेदर गाइस, इतना सुंदर, इतना प्यारा ट्रिप है यार ये, बहुत प्यारा ट्रिप गया है यार। अभी और भी प्यारा जाना है लुक। और हमने अभी पकड़ा है ऑटो हमारा दीपक और का ऑटो, वो रहा दो ऑटो है। यहाँ पर लूटपाट बहुत मचा रखी है, इतना लूट रहे हैं लोग। पर ठीक है दीपक कम करवा रहा है रेट, यहाँ पर बहुत ज्यादा लूट रहे हैं यार। रोहित मुश्किल है, बोलो यार कुछ। मुश्किल है क्या हो रहा है? नींद वींद पूरी हो गई? पूरी छोड़ के जा रहे थे ये लोग। क्यों छोड़ के जा रहे थे? बस में ही ये लोग। अच्छा जगाया नहीं, सब उतर गए, फिर बोलते हैं उठ उठ चले। ये भाई वेदांत, इसको पूरी रात एंटरटेन किया मैंने पूरी रात। ये बोला ये नहीं बता रहा मैं गहरी नींद में था, ये बोला ये देख ये देख क्या है, मैं DLF देख रहा था इसकी वजह से। ले वाली बस की थी और इसमें इतने चकाचक लोग भरे हैं ना, देखो भाई इतने चकाचक लोग भरे हैं। बट ये होता है कि हम पीछे बैठते ना तो मतलब 8 घंटे का सफर है, हम उल्टियाँ करते हुए जाते हैं और सबको पीछे की सीट, ये जो लाइन वाली सीट होती है ना ये वाली, ये सीट मिली हमें। तो हमने टिकट वगैरह सब कुछ ले लिया, फिर दोबारा रिफंड करवाया और वो बोल रहे थे मतलब जो कंडक्टर था वो बोल रहे नहीं पैसे काटूंगा पैसे काटूंगा। मतलब कौन से लॉ में लिखा है सब पैसे काटना, पूरा लॉ बता दिया एस्टेमिनोस को। तो हम अभी दूसरी बस कर रहे हैं भाई, इतनी भरी हुई है ना ये बस की उसके ऐसा दिमाग खराब हो रहा है। तुमने पैसे देखे थे हमें ये बस मिली, तो अब हम वेट करके आ रहे हैं घंटे आराम से अच्छी बस मिल जाएंगे। लुक एट द व्यू पर सामने जब तुम डर गाइस मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, रुको इधर। तो कितना सुंदर सीन है और हम लोग देखो कैसे बैठे हैं और ये पीछे देखो। Hey guys, welcome to our vlogs. Look at the view. कितना शानदार मौसम हो रहा है भाई। मेरे दिल का तारे जब मैं आना। देखो भाई बिना नहाए तो कैसे लग रहे हैं लोग। जाम लग गया यार, बहुत लंबा जाम लग रहा है। गाइस आपको एक बहुत प्यारा सीन दिखाती हूँ मैं, बहुत प्यारा। यार तुमने बोला था विकास की ये प्यारा है, इससे प्यारे तो पीछे रह गया यार। देख नाच। तो फैमिली हम फिलहाल रुके कोई स्टॉप पर, 1.5 घंटा हो गया हमें निकले हुए और अभी हम कोई स्टॉप पर रुके। और फिलहाल हम खा रहे हैं मैगी, मैगी हमारी बनने जा रही है अभी। और सब लोग कहाँ हैं? सब लोग इधर उधर ही हैं यार। ये रही हमारी गाड़ी ये वाली, और बहुत थक चुके हैं यार बहुत ज्यादा। अभी ऐसा लग रहा है वॉमिट हो रही थी ना बीच में, तो तुम्हें नहीं हुई ऐसे वॉमिट जैसा? तो हम लोग फिलहाल खा रहे हैं पहाड़ों की मैगी। विकास टेस्ट करके बताओ कैसी है। स्वादिष्ट चाहा, अब तो हिमांशु करवा लो, ये ही खाओ ना। एक और चम्मच लिया रत्नू, कौन सी है उसने बताया था? ये देखो ये और वो, क्या कौन क्या के नाम है? भागीरथी और अलकनंदा। अच्छा भागीरथी और अलकनंदा, तो ये दो रिवर है यहाँ से मिलके, इसका नाम गंगा चालू होता है और ये दो अलग अलग रिवर आती है, इन दोनों को मिक्स होके फिर गंगा बनती है। और लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर घर देखो ऐसे रहते हैं लोग। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, वहां पे लोग बाग नहा रहे अच्छा लग रहा है। और ये मैंने नेट पर देखा था और आज रियलिटी में अच्छा लग रहा है।
तो गाइज अभी हम रुके हैं धारी देवी मंदिर और भाई नजारों के तो कहना ही क्या, यहाँ पे नजारे ही नजारे हैं, नजारे ही नजारे बिल्कुल एकदम। ये भाई को देखो फोटोज के पीछे बावड़ा हो रहा है हमारा भाई। हेलो जय श्री केदारनाथ। ये थकी जबरदस्ती खींच के ले आया, मुझे सोना है। नहीं तो मैं सोने नहीं देना है लेकिन मुझे। अरे मैं नहीं हूँ, नजारा वो है, उसको दिखाओ। तो फैमिली अब यहाँ पर एक ऐसा रास्ता आया है जहाँ पर एक टाइम पे सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, लाइक अभी वो जाएगी फिर हम जाएंगे। भयंकर रास्ता यार ये, अभी आगे और कच्चा आएगा। पर ये जो हालत है वो पूरे रास्ते में नहीं है, वो बस थोड़े एंडिंग टाइम पे होता है, जैसे अभी आने जाने वाले लोग काफी होते हैं तब भी होता है ये चीज। और भैया आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हो, मस्त से, यू आर अ हैवी ड्राइवर। हमने नहीं देखा आपकी जैसा ड्राइवर, सही में मतलब इन्होंने पता नहीं लगने दिया कि कैसे गाड़ी घुमाई, कैसे कुछ ही पता नहीं लगने दिया यार। भैया मजे आ गए, एक गाड़ी तो फंस भी गई थी भैया, वो तो फंस गया, उसके साइड में से निकल के आ गए। भगवान दीपक क्या बोलते हो भैया के लिए, आते टाइम पे भैया थोड़े पैसे होंगे। वो नाले गए यार, यहाँ पे ऐसे कई रेस्टोरेंट बताओ। देखो आजकल लोग मजाक करने लगे, पीछे कितनी सी स्टेपनी लगा रखी है। वैसे स्टेपनी होती क्या होती है, स्टेपनी होती क्या है, जैसे वेदांत है ना, वेदांत की स्टेपनी विकास है, जैसे वेदांत अन्नू के साथ ना स्टेपनी वाली चिपक के। देखो क्या होती है स्टेपनी, देखो स्टेपनी है ना एक तरीके का हार्मोन होता है, सिंड्रोमन हार्मोन्स। देखो बस बस स्टेपनी क्या होती है रोहित, रोहित स्टेपनी क्या होती है, अरे क्या एक्सपर्ट टायर होता है यार, अरे इससे हाइट नहीं बढ़ पाती है लोंडो की। देखो आपको लाइव एग्जांपल, इसके वही है स्टेपनी वाली दिक्कत है इसके। अड़ जा तू, अड़ जा तू, अड़ जा तू, अड़ जा, अरे तू अड़ जा। ये हमारा ईमान जो है इसको खाई खाई देख के मुंह चढ़ गया अपना। अनुपुर आज सुबह से क्या कर रहे हो आप, ब्लॉगिंग करनी तो आती नहीं आपको, मुझे देख देख के सीख रहे हो। अनुपुर आपके फुंसी हो रही है साइड में। और आपके तो फोड़ा हो रहा है, दिखाऊं क्या आपके कितना मोटा हो रहा है, दीपक दिखाना है इसको। हाँ रोहित भाई, रोहित भाई क्या और क्या हाल चाल आपके, कुदरत की देन है भाई सब यार, सब कुदरत की देन है भाई। तो हमारे भाई हिमांशु को क्या है एक समस्या हो रही थी, एक फोबिया है हिमांशु भाई को हाइट का, तो उसकी वजह से हिमांशु भाई वॉशरूम नहीं जा पा रहे थे। तो इन्हें ये जो भैया बैठे ना आगे, इन भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, ये हर जगह पर जब जब इनको कहा ना तब तब इन्होंने गाड़ी रोकी, जबकि ये है प्राइवेट गाड़ी नहीं है भाई, टैक्सी गाड़ी है। तो भैया का नाम क्या है, भैया आपका नाम क्या है, रोहित। अरे रोहित नाम क्या होते ही अच्छे हैं भैया। हाँ तो रोहित भैया ने बहुत सपोर्ट किया, तो सब भैया को मिलके थैंक यू बोलेंगे। 1 2 3 थैंक यू भैया। तो गाइस यहाँ पर लड़ाई हो गई भयंकर वाली, और बहुत भयंकर लड़ाई हो गई इससे हमारे यहाँ जाम ज्यादा है। हमारे काम के बंदे पूरा जाम क्लियर करवा रहे हैं जो एक घंटे तक जाम था, तारीख बस माननी पड़ेगी। तो फैमिली इतना घटिया रूम करवाया था दीपक ने, पर तो फिर कुछ अच्छे लोगों ने, हिमांशु ने और कुछ अच्छे लोगों ने फिर ये रूम करवाया इतना प्यारा, मतलब प्यारा तो नहीं है ठीक है, बस हमारे 2 दिन का मतलब हमारे 3 घंटों का काम हो जाएगा। फिर अभी बज रहे हैं 11 और हमें अब तुम्हारी है ना, चुप हो जाओ मैं बोल रही हूँ, कर लो तो अभी बज रहे हैं 10:30। नहीं करो 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 बोलो, नहीं देखते कितना बोलना आता तुम्हें, चलो नहीं अनुपुर मुझे आता ही नहीं है। आ चल रहे ना, देखो इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। क्या सही बात लिखी है, क्या सही बात कही है APJ अब्दुल कलाम जी ने। तो गाइस हमने रूम बुक कराया है 3 घंटे के लिए, क्योंकि ये नंबर 3 घंटे कहाँ से हो गए, तो हमने ये ना पता है बात कर रही ना वहाँ पे जितने भी होटल वालों से, सबको यही बोल रही भैया हमें तो सिर्फ 2 घंटों के लिए चाहिए आपका रूम। बोलना होता
ऐसे कौन देता है दो घंटे में, कैसे लोगे सामान ही रख के जाओ, सब लगेज, हाँ लगेज ही रखना है हमें, तो लगेज मेन तो यही था ना, दो घंटे बैठ जाओ फिर लगेज रख लेना। ओ दीपक पता नहीं गुनगुने पानी का, दीपक की दीपक भी मैं गिफ्ट लाई थी तुम्हारे लिए। तो काफी मशक्कत के बाद हम लोग आए खाना खाने और हम ऐसे बैठे हैं, दो यहाँ पर और तीन लोग वहाँ पर। अब तो चाहिए ही चाहिए ऐसा लग रहा है ना रत्नू, अपने क्या मंगवा रहे हो तुम? चावल और दाल। यस दाल चावल इज बेस्ट, क्योंकि हमें 3 बजे नहाकर और फिर ट्रैक पे जाना है, तो कुछ अनाप शनाप खाने का तो बनता ही नहीं है। ये आ गया हमारा सबसे पौष्टिक खाना, एनर्जी वाला, और हम सभी यही खा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज नोटिस की मैंने, यहाँ पर चावल बहुत मोटे मोटे हैं, है ना, मतलब जयपुर वाले नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा मोटे चावल है। सही है, चलो